हेलो एवरीबॉडी, हमारा आज का लेक्चर है कल्टीवेशन ऑफ बाजरा पे। ठीक, हम आज इस बाजरा को फिनिश करेंगे। बाजरा एक्चुअली हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पर्ल मिलेट। ऑस्ट्रेलिया में हम पर्ल मिलेट को बोलते हैं बलरूस मिलेट, BLRUSH, बलरूस मिलेट। USA में क्या बोलते हैं? कटेल या फिर स्पाइक्ड मिलेट। ठीक है, तो ये अपना चैप्टर का नाम था। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, बोटेनिकल नेम से। पेनिसिटम टाइफॉइडिस, पेनिसिलिन टाइफॉइडिस, उसी का दूसरा नाम है पेनिसिलिन ग्लैकम। कहीं पेनिसिलिन टाइफॉइडिस भी बोलते हैं और कहीं पेनिसिलिन ग्लैकम भी बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। फैमिली है ग्रामिनी, उसी को आजकल हम पोएसी भी बोलते हैं। नया नाम है ग्रामिनी का, कंफ्यूज नहीं होना है। क्रोमोसोम नंबर की अगर हम बात करें तो 2n = 14 होता है, याद रखना है, ये भी आई है। ठीक है, अब थोड़ा सा उसके न्यूट्रिएंट कंटेंट की बात कर लेते हैं। प्रोटीन उसमें होता है 11.6%, फैट होता है 5%, कार्बोहाइड्रेट थोड़ा ज़्यादा होता है। कार्बोहाइड्रेट कितना होता है? 67%। मिनरल्स 2.7% होता है। विटामिन ए एंड बी भी प्रेजेंट होता है इसमें। सीरियल्स में हाईएस्ट मिनरल इसी में होते हैं, 2.7%। ठीक है, बाजरा जो है वो टॉल प्लांट है, टिलरिंग प्लांट है, टिलर्स बनते हैं इसमें, और एनुअल प्लांट है। ये बेसिक बातें पता होना चाहिए। टॉल कितना होता है? हाइट इसकी होती है 1 मीटर से लेकर, रेंज होता है ग्रेटर देन 3 मीटर तक होती है हाइट इसकी। ठीक है, बाजरा शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, ड्रॉट एंड सलाइन रेसिस्टेंट है, ठीक है, लेकिन सलाइन रेसिस्टेंट है बट एसिडिक रेसिस्टेंट नहीं है, थोड़ा सा याद रखेंगे। तो अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं? स्पाइकलेट बोलते हैं। USA में पर्ल मिलेट को क्या बोलते हैं? स्पाइक्ड मिलेट बोलते हैं। और इसके इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं? याद करने के लिए बोला मैंने USA का नाम लिया, ऐसा नहीं कि सिर्फ USA में इन्फ्लोरेसेंस को स्पाइक, इसके इन्फ्लोरेसेंस को हमेशा स्पाइकलेट ही बोलते हैं। और फ्रूट को, सारे सीरियल्स के फ्रूट को कैरियोप्सिस बोलते हैं। ठीक है, मेनली बाजरा जो है क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है मेनली। तो और रीज़न क्या है क्रॉस पॉलिनेशन का? उसमें प्रोटोगाइनी होता है, यानी कि गाइनोसियम पहले मैच्योर हो जाता है। मेज में जैसे प्रोटेंड्री होता है, वहाँ एंड्रोसियम पहले मैच्योर हो जाता है, इसमें प्रोटोगाइनी होता है। ठीक है, अब आप लोग एक पॉइंट देखिए, 80% फॉस्फोरस पैथिक एसिड के रूप में लेता है। 80% फॉस्फोरस इन फॉर्म ऑफ पैथिक एसिड, पैथिक एसिड के फॉर्म में मेनली फॉस्फोरस को ऑब्जर्व करता है। अब अपना इसका पॉइंट आता है सॉइल एंड क्लाइमेट कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस में। उप्स, माय मिस्टेक। सॉइल एंड क्लाइमेट की बात करते हैं थोड़ा सा। क्लाइमेट इसको कैसा चाहिए? वार्म चाहिए, क्योंकि यह खरीफ क्रॉप है, तो वार्म क्लाइमेट ही चाहिए होता है लगभग मैक्सिमम खरीफ क्रॉप्स को। और इसके लिए बेस्ट टेम्परेचर कितना हो जाता है? ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 20-28 डिग्री सेल्सियस। सॉइल कैसा चाहिए इसको?
सैंडी लोम सॉइल चाहिए। हम बात करेंगे लैंड प्रिपरेशन। लैंड प्रिपरेशन में क्या क्या ध्यान रखना है? बाजरा सीड स्मॉल साइज का होता है, सीड स्मॉल होता है, सो सॉइल शुड बी मेड फाइन। तो आप लोग एग्जाम में अगर नोट लिखने आता है, कल्टीवेशन प्रैक्टिस लिखने आता है बाजरा का, तो ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे नहीं लिखना, ये याद करने के लिए अपना शॉर्ट पॉइंट में मैं लिख के बता दे रहा हूँ, आप लोग इसी को इलैबोरेट करके लिख देंगे, ठीक है। फाइन सीड वेट बनाते हैं इसके लिए, ठीक है। सीड रेट कितना रखते हैं? 4 to 5 kg per hectare, 4 to 5 kg per hectare। स्पेसिंग कितना रखते हैं? 45 × 10 to 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हो जाएगा रो टू रो और यह हो जाएगा प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस। सोइंग कैसे करते हैं? सोइंग मेथड ब्रॉडकास्टिंग मेथड से सोइंग करते हैं। सोइंग डेप्थ 2 से 3 सेंटीमीटर रखते हैं, जनरली सबका यही रहता है सीरियल्स का। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर लेते हैं, कोई खास पॉइंट नहीं है बट ऐसे ही रफ आइडिया होना चाहिए, 1,75,000 to 2 lakh प्लांट पर हेक्टेयर। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसप्लांटिंग ऑफ बाजरा। यह ट्रांसप्लांटिंग बाजरा में डेवलप किसने किया था? डॉक्टर गौतम ने, इंडियन साइंटिस्ट हैं इसलिए थोड़ा सा बता दिया मैंने। सीड्रेट ट्रांसप्लांटिंग के लिए, वो तो नॉर्मल सीड्रेट था, अभी अभी हमने देखा कितना था सीड्रेट, 4 से 5 kg per hectare। ट्रांसप्लांटिंग अगर करना है तो 2 kg per hectare सीड्रेट कम हो जाता है, सभी को पता है। स्पेसिंग 50 से 20 सेंटीमीटर पर, ये हो गया रो टू रो और ये हो गया प्लांट टू प्लांट, ठीक है। नर्सरी एरिया कितना लेते हैं? नर्सरी एरिया हम लेते हैं 500, आई एम डूइंग दिस मिस्टेक अगेन एंड अगेन, 500 to 600 meters per। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर हम कौन सा एन पी के परसेंटेज बात कर लेते हैं, 120, 60, 40 एन पी के का रेशियो होता है, ठीक। इरीगेशन ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, 2 इरीगेशन हम देते हैं इसको। लोएस्ट वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप इन द सीरियल्स है, तो 2 इरीगेशन हम दे देते हैं अगर देना हो तो। कब देंगे? डेफिनेटली क्रिटिकल स्टेज पे देंगे। वीड मैनेजमेंट की बात करें, वीड मैनेजमेंट में कौन से केमिकल यूज़ करते हैं? एट्राजीन। जल्दी से कमेंट करके बताइए और कौन से सीरियल में एट्राजीन का यूज़ करते हैं वीड मैनेजमेंट के लिए। वीड मैनेजमेंट के बाद हम थोड़ा सा डिजीजेस का बात कर लेते हैं। डाउनी मिल्ड्यू या फिर ग्रीन ईयर डिजीज हो जाता है इसमें, कलर भी चेंज कर लेते हैं। डाउनी मिल्ड्यू या ग्रीन ईयर डिजीज, इसका पॉजिटिव एजेंट कौन सा? स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनोकोर्डा, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनोकोला, ठीक है। अब नेक्स्ट डिजीज जो कि मोस्ट कॉमन है इसमें, वो है इरगॉट डिजीज। इरगॉट डिजीज ये कौन से फंगस से होता है? क्लेविसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस। प्लीज मेक योर शॉर्ट नोट्स विद द वीडियो इटसेल्फ सो दैट आप इस लेक्चर को रिवाइज कर सके बिल्कुल 5 मिनट के अंदर में। फ्यूजीफॉर्मिस इसलिए मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, अदरवाइज मैं लिखा हुआ अभी PPT से भी पढ़ा सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगा, बट मैं सामने में लिख रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से नोट्स बनाएं और अच्छे से रिवाइज करके एग्ज़ाम दें, ठीक। नेक्स्ट डिजीज़ की हम बात करते हैं, स्मॉट मोस्ट कॉमन डिजीज़ है।
यह किस फंगस से होता है? टॉलिपोस्पोरियम पेनिसिलोरिया। टॉलिपोस्पोरियम पेनिसिलोरिया। ओके, अब मोस्ट कॉमन एक और डिजीज है रस्ट, बहुत ही कॉमन है, पक्सीनिया पेंसिटी। पक्सीनिया, पक्सीनिया पेंसिटी। ठीक, तो ये थोड़ा सा आप लोग डिजीज और उसका कॉजेटिव एजेंट याद रखेंगे। और वीड मैनेजमेंट के बाद अब हम डिजीज को बात कर चुके हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग हम कब करते हैं? 20% मॉइस्चर उसमें होता है तब हार्वेस्टिंग कर लेते हैं और स्टोरेज करते हैं। सारे लगभग मैक्सिमम सीरियल्स को 12% मॉइस्चर लेवल पे स्टोर करते हैं। यील्ड कितना होता है? 32-35 क्विंटल पर हेक्टेयर यील्ड होता है इसका। फर्स्ट हाइब्रिड बाजरा का कौन सा? HB1। कब बनाया गया था? 1965 में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, लुधियाना में बनाया गया था। कैसे बना था? यह एक्चुअली फर्स्ट हाइब्रिड है तो इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। टिफ्ट 23A को क्रॉस कराया गया था बिल 3B से, जिसका जो रिजल्ट आया था वही था फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ बाजरा। अब फर्स्ट मेल स्टेराइल लाइन कौन सा यूज किया गया है? यहीं पे आप लोगों ने देख लिया है, फर्स्ट स्टेराइल लाइन कौन सा यूज किया गया, जल्दी से बोलिए। टिफ्ट 23A। ठीक है, अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, ये मैंने सॉल्व आप लोगों को पढ़ा दिया डिटेल में। अब मेनली क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं, जैसे ओरिजिन पूछ लेता है, ओरिजिन अफ्रीका मैंने बताया या नहीं बताया, लिख देता हूँ आपके लिए। ओरिजिन अफ्रीका है। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा कॉज किससे होता है? मैंने बताया आप लोगों को, देख लीजिएगा। इरगॉट डिजीज़ किससे कॉज होता है? यह भी मैंने बताया, देख लीजिएगा। प्रोटीन कंटेंट, फैट कंटेंट, मिनरल कंटेंट, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट। कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो ज़्यादा है, वो देख लीजिएगा। अगर क्वेश्चन पूछ देता है सीरियल विथ हाईएस्ट मिनरल एंड लोएस्ट वाटर रिक्वायरमेंट, आपको आंसर पता है क्या होगा? फर्स्ट हाइब्रिड भी आप जानते हैं, पर्ल मिलेट को स्पाइक्ड मिलेट बोलते हैं, इनफ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं वो भी मैंने बताया, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और हाईएस्ट ड्रॉट टॉलरेंट भी यही होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू, बाय बाय।